दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे गॉडजिला कॉन्ग द न्यू एम्पायर के आठवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे इस फिल्म के अब तक की टोटल इंडिया नेट ग्रॉस वर्सेस और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया में 14 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था, तो अपने पहले वीकेंड में 43 करोड़ 70 लाख कलेक्शन किया था। वहीं फिल्म ने अपने चौथे दिन में 6 करोड़ 30 लाख का, पांचवें दिन में 5 करोड़ 38 लाख का, छठवें दिन में 4 करोड़ 86 लाख का और अपने सातवें दिन मैंने गुरुवार के दिन में लगभग 4 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया है, जिससे इस फिल्म के 7 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 64 करोड़ 74 लाख हो चुका है, तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 78 करोड़ हो चुका है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 7 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 1910 करोड़ हो चुका है। आपको बता दो दोस्तों कि इस फिल्म का बजट तकरीबन $132 मिलियन है, अगर इंडियन रुपीस में देखें तो लगभग 1105 करोड़ होता है। और अब तक के कलेक्शन के हिसाब से फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस में हिट साबित हो चुकी है, तो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में 2-3 दिनों में हिट हो ही जाएगी। बात करें इस फिल्म के आठवें दिन के कलेक्शन की, तो ये फिल्म अपने आठवें दिन में इंडिया में लगभग 4 करोड़ का नेट कलेक्शन करने वाली है। अगर बात करें इस फिल्म के IMDb रेटिंग की, तो इस फिल्म को 6.7 रेटिंग मिले हैं। तो दोस्तों अगर आपने फिल्म देख लिया तो आपको फिल्म कैसी लगी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।